हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लाइव आए हैं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि संडे लाइव बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम आप लोगों को पता है कि हम फ्लावर जो वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी यहाँ पे फूलों का हमारे प्रयागराज में, तो वहाँ पे गए हुए थे, जिसकी वजह से हम आप लोगों को अच्छे से लाइव करके आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे। तो हमने सोचा कि आज हम लाइव करते हैं, और थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। हम तो जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, हम तुरंत आ जाते हैं लाइव आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जल्दी जुड़ें और शेयर करते जाएं, ताकि और भी लोग अच्छे से जुड़ पाएं, और आज हम लाइव अच्छे से जी। राधे राधे, माधव माधव जी, राधे राधे। अरविंद जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि लाइव जो क्लास होगी आप सभी लोगों की, आज थोड़ा सा कम टाइम के लिए होगी, तो जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप सभी लोग अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमें रह गया था अंदर से मन में कि यार, संडे लाइव में तो अच्छा नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे, लेज़र, वो वाटर लेज़र से पूरा सब कुछ चल रहा था, और आप लोगों ने देखा, इंजॉय भी किया। लेकिन आज जो क्लास है वो आप लोगों के लिए म्यूजिकल क्लास रहेगी, तो जल्दी से जल्दी जुड़े और क्वेश्चन पूछना शुरू करें। अजय कुमार पाठक जी लिखते हैं, जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम अजय जी, कैसे हैं? और सभी लोग जुड़े जल्दी से जल्दी। और एक हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा था, क्वेश्चन किया था कि मैम, हाकार क्या होता है? आकार तो पता है, लेकिन हाकार क्या होता है इसको बता दीजिए। तो हमने उनसे वादा किया था कि हम लाइव आकर के आप लोगों को बताएंगे, तो जल्दी से जल्दी जुड़े, फिर हम आप सभी लोगों को बताएं कि हाकार क्या होता है। श्री जी लिखते हैं कि राधे राधे जी, आपका राधे राधे आपको। श्री श्याम पूनम जी, ओके। सरला जी लिखते हैं कि हर हर महादेव। हर हर महादेव सरला जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए सभी लोग और क्वेश्चन करें। हाँ, मैं आप सभी लोगों को ये बता उनके क्वेश्चन पर आधारित जो था कि क्या होता है, तो मैं बताऊं हाकार क्या होता है। हम यूपी प्रयागराज से लाइव है अजय कुमार जी, प्रयागराज हमारा घर है यहाँ पे, तो तीर्थों का राजा प्रयागराज, संगम नगरी, हम वहाँ से लाइव हैं। और हाँ, पहले मैं बता दूं कि आकार और हाकार में अंतर क्या है और आकार क्या है। जैसे कि आप सारे गामा पाधा निसा गाते हो, तो वो क्या होता है, पहले सुर में गाते हो, तो क्या है, जैसे एग्जांपल लेके बताऊं, सा बस सुर हो गया, लेकिन आकार करेंगे तो आ, इसी सा को आ बोलेंगे, सबको पता है, ठीक है, लेकिन एक बार करके दिखा दूं, है क्या, तो जब ये आकार होता है, तो अगर किसी का गला सधा हुआ है तो आकार अच्छा होता है, नहीं तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, आ आ आ आ आ ऐसा गाते हैं, तो ये आकार सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए टीचर्स उनको हाकार बुलवाते हैं। हाकार का मतलब क्या होता है कि जब आप हा बोलते हो, जैसे सा को अगर हा बोलो, हा, तो इस तरीके से जब बोलते हैं तो वो चेस्ट से आता है, यहाँ से जब हा आता है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना पेट से गाना, मन से गाना, दिल से गाना, वो क्या होता है, उसको सही कराने के लिए हाकार बुलवाया जाता है। जब करेंगे हा, तो हा में जो आ आ रहा है वो आकार का रूप लेगा, इससे जो बिगनर्स होते हैं ना उनका आकार एकदम परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिनका भी क्वेश्चन था, अगर आप लाइव हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। और फिर से देखिए, आप हाकार करेंगे तो हा, पहले स्टार्टिंग नोड में हा बोलेंगे, बाकी नोड में उसी हा का आकार लेते हुए जाएंगे, तो वो आकार परफेक्ट आकार होगा, जैसे हा,
हाँ बोल के आएंगे। इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल नॉर्मल हाकार करना। तो अब इसी को थोड़ा सा फास्ट कर दे तो इस तरह से बार बार करते करते अलग अलग सरगम को एग्जांपल लेकर के जब आप करेंगे तो ये हाकार जो है आकार का सही स्वरूप बना देगा। आई होप समझ आ गया होगा। सरला जी लिखते हैं जय माता दी मैम जी, जय माता दी सरला जी। कुमार प्रधान जी लिखते हैं राधे राधे, राधे राधे। अजय जी लिखते हैं कि अपना शुभ परिचय दीजिए मैडम जी, हमने अपना शुभ परिचय दे रखा है भैया। अजय जी बहुत सारे लोग हमको जानते हैं बार बार, चलिए आपने पूछा। माई सेल्फ कंचन मणिरत्नम फ्रॉम प्रयागराज एंड आई एम अ म्यूजिक टीचर, कैसियो सिंथेसाइजर एंड हारमोनियम वोकल। इतनी अनु कुमार जी रहती है, मैडम जी कोई उस्ताद हाकार में भी अलाप लेता है? नहीं, नोम तोम में लेंगे, आकार में लेंगे, हाकार में नहीं लेते हैं। हाकार आकार को कराने के लिए कराया जाता है, उससे आपका आकार गले में अच्छा बनता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत बनी रहती है। तो हाकार करने से उस दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सरला जी लिखते हैं बहुत दिनों से संगीत में हूँ पर बहुत कोशिश करने के बाद भी गले में गाते समय हरकतें नहीं आ रही हैं, क्या करें? यही करना पड़ेगा जो अभी हमने बताया, आकार को हाकार में करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे कोई भी सरगम है, हमने जो भी सरगम आप लोगों को दिया है, अजय कुमार जी दिस इज द क्लास नॉट अ चैटिंग लाइव शो, अंडरस्टूड? प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज टेल मी, अदरवाइज प्लीज डोंट कमेंट मी, ओके। सरला जी लिखते मैडम जी हमें गमक के बारे में बताइए। गमक के बारे में बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल हो। गमक के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, एक मैंने पूरा आधे घंटे का वीडियो ही बना दिया है सरला जी, तो प्लीज आप उसको देख लीजिए। गले में हरकतों का भी वीडियो बना दिया है, यहाँ पे जो हमने वीडियो अपलोड नहीं किया है उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे गमक में है, तो गमक क्या है वो तो बता दिया, लेकिन गमक की एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो कैसे पता आएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा है गमक क्या होता है ये एक वीडियो बनाया है, आधे घंटे का है, प्लीज उसको देख लें। जो जो उसमें मैंने अलंकार लिखवाया है प्रैक्टिस के लिए, आप उसको लिख करके प्रैक्टिस करें। और करेंगे कैसे, हाकार में करिएगा, ठीक है, हाकार में करेंगे तो नहीं दिक्कत आएगी, आपका सारा चीजें प्रॉब्लम जितनी भी है सॉल्व हो जाएगी। अजय कुमार यहाँ पे भजन गाना ये सारी चीजें नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट आएगा यहाँ पे। तो अगर आपको सुनना है गजल भजन जो भी है, तो मेरा फेसबुक है, वहां पे हम लाइव करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, प्लीज आप वहां पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ पे अगर संगीत से, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, संगीत में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन करिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका। जसराम जी लिखते हैं हाय, हेलो कैसे हैं आप, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप सभी लोगों की। तो सरला जी जो आपने कहा है कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हरकतें नहीं आ रही है गले में, उसके लिए सही रियाज करना जरूरी है। कैसे कि कोई भी आप एक अलंकार एज अ एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में हम लीजिए अलंकार लेते हैं सा रे मा रे, तो ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, बहुत धीरे धीरे करेंगे वापस। अब इसी को आकार में करेंगे, तो आकार कैसे होगा, हाकार में करेंगे हा, तो पहला हा आ करेंगे तो हा, तो एकदम आकार जो है यहाँ पे गले में बनना शुरू होगा, क्योंकि वो पेट से आएगी आवाज, जब हा बोलते हो तो आ हा पेट के बिना बोल ही नहीं सकते हो आप, आ बोलेंगे तो गले का
आएगा, ठीक है, हा बोलेंगे तो पेट से आएगी आवाज, तो उस हा में जो आ आएगा उसको यूज करिए, ठीक है, तो अपने आप सही हो जाए। जैसे हा इसी तरह से जितने भी अभी अगर आपके पास अलंकार नहीं है तो अभी मैं एक सीरीज ही लेके आ रही हूँ अलंकार का अलग अलग प्रकार से, तो उसको आप नोट करके ढेर सारे अलंकार आप कर सकते हो एक्सरसाइज, तो अपने आप चीजें सही हो जाएगी, बस मेहनत करिए आप, ठीक है। सुरेश श्रेष्ठी जी लिखते हैं, आई जस्ट फाउंड योर वीडियो फ्रॉम लास्ट वीक, इट वॉज सो हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग ट्यूटोरियल। मोस्ट वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्लीज़ इसी तरह सीखते रहें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछते रहें, आप लोगों के हेल्प के लिए हम बैठे ही रहते हैं, आप लोगों को हमेशा मदद करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है, बोलते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बाकी ट्यूटोरियल तो हम बना ही रहे हैं। श्री जी पूनम शर्मा दिल्ली से लिखते हैं कि धन्यवाद बताने के लिए, मोस्ट वेलकम। नितेश कुमार जी लिखते हैं कि कोमल नोट्स कैसे पहचाने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सा रे गामा पाधा नीचा जो उसका स्वरूप है पहले उसको पहचानना होगा। एग्जांपल लेते हैं शुद्ध रे और कोमल रे, तो उसके लिए क्या होगा, आप हारमोनियम पे पहले सुनिए बिना, देखिए अभी अभी पहचानना तो आता नहीं, तो बिना हारमोनियम के मदद के, बिना किसी गुरु के मदद के तो पहचान में तो आएगी नहीं, इसलिए आपको हारमोनियम की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, सा रे, रे आपका शुद्ध है तो सा रे कोमल है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, रे वही है लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही, तो उसको पहचानेंगे, तो सा रे, तो अब ये हमने हारमोनियम पे किया, सुना, समझा, अब ऐसे करेंगे अपना सा पकड़ेंगे, तो सा, तो अपना सा पकड़ने के लिए तानपुरा होना चाहिए, या तो आप सा पा सा लगा लो, इस तरह से एक आपको मिल जाएगा, तो करेंगे सा, अब सा रे गा, ये तो नॉर्मली सबको पता है, अब सा रे गा, सा रे गा शुद्ध रे गा, फिर सा रे कोमल रे गा शुद्ध रे, तो सा रे गा, अब शुद्ध रे सा और कोमल गा, तो सा रे कोमल गा सा रे गा शुद्ध गा, इस तरह से। तो जब आप बजा बजा के उसको कायदे से सुनेंगे, मैं बार बार कहती हूँ कि संगीत में सुनना बहुत जरूरी है, बार बार जब सुनेंगे ना सुबह सुबह रियाज करते समय, प्रैक्टिस करते समय, तो ये जहन में बैठेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश करिए, अपने आप पहचान में आ जाएगा, ठीक है नितेश जी। रत्नाकर जी लिखते हैं कि अवरोह का रियाज आरोह के मुकाबले क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि आरोह और अवरोह दोनों इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अवरोह नहीं इम्पोर्टेंट है भैया, आपको दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब सारे गामा पाधा निसा आप करते हो तो एक एक क्रम चढ़ना भी आना चाहिए, जब सही से चढ़ लोगे तभी उतरना आएगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि अवरोह से ज्यादा आरोह करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आरोह करना आ जाएगा तो अवरोह उसी हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ही हमारे हिसाब से थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। रत्नाकर जी लिखते हैं कि हा का रियाज पर प्रकाश डालिए प्लीज। रत्नाकर जी हमने बता दिया, अगर आप लाइव शुरू से देखेंगे ना तो अभी हाकार ही बताया कि हाकार आकार क्या है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम कल एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हाकार और आकार में डिफरेंस बताया है,
हाकार क्या है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम वो वीडियो में बता रखे हैं, उसको अपलोड कर देंगे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस लाइव को भी पूरा शुरू से देखेंगे तो इसमें भी बता दिया है, फिर से वही बार बार बताने से सिर्फ टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, कल तक, कल मॉर्निंग 11 और 12 के बीच में वीडियो आ जाएगा हाकार और आकार का, और आप उसको देख लीजिएगा। श्री जी लिखते हैं कि अलंकार में हरकतें गा लेते हैं पर जब लाइव सिंगिंग में मुर्कियां और हरकतें नहीं आ रही हैं। देखिए, उसके लिए ना हर एक गाने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस जगह पे आपको हरकतें मुर्कियां लगानी है, सडन नहीं होगा, सारा दिमाग का खेल है। गाते समय ना पूनम जी दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, आपका गला और माइंड दोनों चले तब जाके आप कर पाएंगी मुर्कियां। मुर्कियां तो समझ में आ रहा है, उसको खूब आप प्रैक्टिस करो, गले में बैठ गया, लेकिन सडन नहीं लग रहा है ना, तो अब आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी गाने में, जिस पार्ट में आपको मुर्कियां हरकतें लेनी है उसको घर पे खूब प्रैक्टिस करिए, तो वो फिर एक टाइम के बाद अपने आप वो होने लगेगा। ठीक है, रियाज करिए आ जाएगा, रियाज मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस उसी बात की जो जिस गाने में जहां पे जो करना चाह रही है। ठीक है, रत्नाकर पांडे जी लिखते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस के जस्ट पहले क्या रियाज करें। रत्नाकर जी, अगर आप वहां परफॉर्मेंस देने जाए तो वहां रियाज कहाँ करेंगे भैया, वहां तो आपको डायरेक्ट परफॉर्म करना है ना, रियाज थोड़ी ना करना है वहां पे। तो परफॉर्मेंस, स्टेज के पहले क्या परफॉर्मेंस देना है, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आधे घंटे या 20 मिनट का है, प्लीज आप देख लो। स्टेज से रिलेटेड, स्टेज परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, और कैसे कैसे जो जो टेक्निक होगा ना सब कुछ बताया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे वीडियो के जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो वीडियोस है, शॉर्ट्स है, लाइव है, तो वीडियोस में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस है, तो उसमें लाइव परफॉर्मेंस का भी वीडियो है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश कुमार जी, थैंक यू। रत्नाकर जी के राग अलाप जमत नहीं, प्लीज मार्गदर्शन करा दीजिए। राग अलाप नहीं जमता, उसके लिए आपको एक मिनट, जस्ट वन मिनट। ठीक है, उसके लिए ना आपको पहले अच्छे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। अच्छे गुरु से जब सीखना शुरू करोगे ना, सही चीज पाओगे ना, तब जाके उसकी, उसका स्वाद अगर मिल जाएगा तो वो बात बनने लगेगी। अब क्या है कि अभी कोई सही से सिखाया नहीं, या आपने कभी उसका मतलब स्वाद नहीं चखा है, इसलिए नहीं अच्छा लगता। अब इसके लिए क्या मैं बताऊं, सही गुरु से सीखना शुरू करिए, फिर अपने आप आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। ये तो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, अब आपका इंटरेस्ट ऐसा है, मैं कैसे बता सकती हूँ कि कैसे अच्छा लगेगा। श्री जी, पूनम जी लिखती है कि हम एक कथावाचक भी हैं, अच्छा, और सिंगिंग सिंगर भी हैं, गला गाते हुए थके ना, इसके लिए भी कुछ बताइए कृपया। पूनम जी, शायद हमारी बात हुई है आपसे, और आपको हमने बताया था कि रियाज बहुत ज़रूरी है। आप तो अगर अध्यात्म से जुड़े हैं तो सुबह उठना तो ज़रूरी है, 4 बजे तो आप उठ ही जाते हो, अपना दिनचर्या करने के बाद कम से कम 1 या 1.5 घंटे तो प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से गला, ज़्यादा देर तक गाने की और ज़्यादा देर तक बोलने की क्षमता रियाज से आता है, तो आप प्लीज़ रियाज करो। मॉर्निंग वोकल रियाज जो मैंने अपलोड किया है उसको देखिए, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ बताया है। जितना ज़्यादा रियाज करेंगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये करिए ये करिए, तो आप लोगों को लगता है कि मैम सिर्फ ऐसे ही बता रही हैं कि करना है करना है, इतना मेहनत करा रही हैं, लेकिन अगर आप लोग कर लोगे ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, आपको वो फायदा करेगा ही करेगा। बस 1 मिनट रुकिए, हम आ रहे हैं। जी, हम आ गए वापस। हाँ, तो अजय कुमार जी लिखते हैं, नमस्कार सिस्टर गुरु। नमस्कार भैया अजय जी, कैसे रियाज करें कि
हाकार का एक्सचर सही हो। बस बस वेट करो वेट करो, आपने ही पूछा था अजय कुमार जी, हमने बताया है हाकार, और भी लोग पूछ रहे हैं, तो कल एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, प्लीज कल देखिएगा। जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे फॉलो करिएगा, आ जाएगा। हाकार पे हमने वीडियो बना रखा है, ठीक है। वी आई के जी लिखते हैं, मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, कॉर्ड किस स्वर पर बजाएं एंड कर्ण के स्टार्टिंग में? बस एक मिनट रुकिए। तो रत्नाकर जी की देली वाला देर तक ऊंचाई आवाज में कैसे आवाज दे सकते हैं? सरला जी लिखते हैं, राग में जाति कितनी होती है? सरला जी, राग में जाति जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। जब तीन 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 रूप लेते हैं तो टोटल नौ प्रकार हो जाती है, ठीक है। जैसे तीन प्रकार क्या है कि आडव, साडव, संपूर्ण। आडव क्या होता है? जिसमें पांच स्वर होते हैं। साडव जिसमें छह स्वर होते हैं। संपूर्ण जिसमें सात स्वर होते हैं। तो जब आरोह अवरोह मिलाते हैं तो आडव आडव, फिर आडव साडव, फिर आडव संपूर्ण, फिर साडव आडव, साडव साडव, साडव संपूर्ण, फिर संपूर्ण आडव, संपूर्ण साडव, फिर संपूर्ण संपूर्ण। ऐसे जब मिला देते हैं तो टोटल नौ प्रकार बन जाते हैं। तो जाति के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है, जाति क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत बकायदे बना बना के अपलोड कर लिया है, ताकि कहीं से कोई भी दिक्कत ना आए आप लोगों को। तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो आप लोगों को हम नोट कराते ही रहते हैं। वी आई के जी लिखते हैं, मतलब था कि ताल के खंड के स्टार्टिंग के सुर पर बजाएं। आपने क्या पूछा था? दे वाला देर तक, देले देले वाले देर तक ऊंचाई आवाज। ये भैया आप फिर से लिखो क्वेश्चन, पहले आपके क्वेश्चन का सही मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पहले सही क्वेश्चन लिखो तो बताएं। श्री जी, पूनम जी लिखते हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आप नेक काम कर रही हैं, प्रभु आपको आपको अपनी भक्ति शक्ति दे। धन्यवाद राधे राधे जी, राधे राधे जी। पूनम जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर कंसर्न। एंड राजेंद्र जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग मैम, हाउ इज योर चाइल्ड नाउ? राजेंद्र जी, मेरा चाइल्ड वो नहीं है, वो मेरे दीदी का बेटा है और वो एकदम फिट है, फाइन है, तंदुरुस्त है, अब बहुत अच्छा है वो। बट वो मेरा बच्चा अभी नहीं है, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, तो मेरा बच्चा नहीं है वो, मेरी दीदी का बच्चा है। लेकिन अगर कहा जाए तो एक तरह से वो मेरा ही है, मौसी हूँ तो ऑब्वियसली मौसी माँ जैसी ही होती है, तो कह सकते हैं आप मेरा बच्चा। विराट मेरी जान लेते हैं, क्या बिन राग और थाट के हारमोनियम नहीं सीख सकते हैं क्या? सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, वेस्टर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, राग और उसमें वो जरूरत नहीं है। और सही बताऊं तो हारमोनियम सीखने के लिए राग थाट की सीखने की जरूरत नहीं होती, स्केल कॉर्ड्स वेस्टर्न टेक्निकलिटी से सीखना होगा। चंद्रकांत जी लिखते हैं, नमस्ते मैम। नमस्कार। एके जी लिखते हैं, भैया ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं, क्योंकि हम संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ आंसर नहीं दे पाएंगे। पुष्पा जी लिखते हैं, नमस्कार। अपना म्यूजिक ट्रैक लिखते हैं कि ऑटो ट्यून के बारे में बताइए मैम। ऑटो ट्यून क्या होता है? वॉइस को अच्छा करने के लिए होता है, जो बेसुरा होते हैं उसको सुर में ला देते हैं और ये सॉफ्टवेयर का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है उसमें। तो सॉफ्टवेयर वाले ही बता सकते हैं, स्टूडियो वाले ही बता सकते हैं, लेकिन इसका उसका यूज क्या होता है वो बता सकते हैं। उसके यूज से सिंगिंग जो होती है इम्प्रूव किया जाता है, जो बेसुरे होते हैं उसको सुर में लाने के लिए किया जाता है। सविता देवी मोस्ट वेलकम, सविता कैसी हो भैया? राधे राधे, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राजेंद्र जी लिखते हैं कि कोई भी गाने के बीच में खुद से सरगम कैसे बनाएं और गाएं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है कि जैसे आपको ताल और सुर दोनों पे कमांड करना पड़ेगा। ताल के हिसाब से आप बीच में सरगम भर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी भी गाने में खुद से म्यूजिक कैसे बजाए, फिलर कैसे दे, वो मतलब कि म्यूजिक का पार्ट आ गया है। तो इसके ऊपर वीडियो बनाया है राजेंद्र जी कि गाने के बीच में खुद से म्यूजिक कैसे बजाएं, बाय म्यूजिक करियर एकेडमी अगर आप टाइप करोगे तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। और ये छोटा क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे दो दो लाइन में आपको हम बता देंगे तो आपको दो लाइन में समझ में आ जाएगा। कम से कम आधे या 1 घंटे का लेक्चर है। जब तक आपको सही से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताया जाएगा तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो प्लीज वो वीडियो देखिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा। और आप कॉपी बना करके लिखिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, जो जो बताए हैं जैसे जैसे टेक्निक बताए हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते हुए लिखिएगा। ठीक है, विराट जी लिखते हैं वो हमें तो हमें वही बताइए ना, राग थाट क्यों बताते हैं आप? अरे मेरे भाई, हम आपको कहाँ राग थाट बता रहे हैं, हम हारमोनियम सिखा रहे हैं। तो हारमोनियम का जब जाओगे प्लेलिस्ट पे तो हारमोनियम का एक प्लेलिस्ट बना रखा है ना, उसमें राग थाट कहाँ बता रहे हैं। सिंगिंग वालों के लिए राग थाट है, अलंकार है ना। अब आपको इतना ही नहीं कंफर्म है विराट जी कि हम कर क्या रहे हैं, अगर सही से फॉलो करोगे राजेंद्र जी तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी विराट जी है, विराट जी तब समझ में आ जाएगा ना कि सिंगिंग का पूरा अलग पार्ट डिपार्टमेंट हमने बना रखा है, उसमें राग थाट मिलेगा ही नहीं आपको। हारमोनियम में, सॉरी हारमोनियम वालों के लिए राग थाट नहीं, कॉर्ड और स्केल है। कीबोर्ड वालों के लिए अलग है डिपार्टमेंट जो मेरे इस पे है यूट्यूब चैनल पर। थाट ये आपके ताल सुर लय ताल का अलग है। अब राग और थाट अलंकार सिंगर्स के लिए है ना, जो बेसिक अलंकार वगैरह करा रही हूँ वो जो सिंगिंग के स्टूडेंट है उनके लिए है ना। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, आप खुद उसको देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, हारमोनियम यहाँ से सीखे फ्री में मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया, तो उसमें आपको राग और थाट नहीं आएगा भाई मेरे। आप कंफ्यूज हो, हम नहीं कंफ्यूज हैं, हम सही सिखा रहे हैं, सही तरीके से बता रहे हैं, तो आप सही तरीके से सीखिए। राजन जी, कोई भी गाने का धुन 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 कैसे बनाए खुद से? अरे आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आर पार वाले होते हैं। हम कितने दिनों में सीख जाएंगे, हम ये कैसे कर लेंगे, वो कैसे कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करते हैं कि इसको करने के लिए क्या क्या होगा। अब जैसे है ना कि कोई भी गाने का धुन कैसे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, कैसे बनाए ये बता देंगे तो आपको आएगा कैसे भैया। देखिए कंपोजिशन बोलते हैं, किसी भी गाने का धुन कैसे बनाए अपने से खुद से बनाने के लिए एक कंपोजिशन होती है। और कंपोजिशन सीखने के लिए, समझ रहे हो, कंपोजिशन करने के लिए आपको पूरी संगीत आनी चाहिए, सुर लय ताल तीनों पे कमांड होना चाहिए भैया मेरे। अब खुद से गाना कैसे बना ये हम बता देंगे तो भी नहीं आएगा आपको। कैसे बनाना है, क्या क्या करना है ये पूछेंगे तो हम बता देंगे, तो खुद से आप बना पाओगे। ठीक है, सविता जी लिख रही, गुरु दी भाई बीमार है उसके वजह से रियाज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उनकी देख रेख कर लो, पूरा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट तो रियाज करो, क्योंकि भाई बीमार है तो भाई की सेवा अगर करना है, उसकी देखभाल करनी है, तो पूरा दिन तो करोगे नहीं ना बेटू। आपको कुछ टाइम 20 मिनट आधे घंटे निकालो अलग से, जिसमें रियाज करो, जरूरी है। हम नहीं कहते हैं कि 2 घंटे करो, लेकिन कम से कम आधे घंटे करो, नहीं तो गला एकदम फ्लैट हो जाएगा, फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समन पाटिल जी लिखते हैं, हेलो मैम, क्या कोई भी अलंकार सा से ही स्टार्ट होना चाहिए क्या? ऐसा कंपलसरी है क्या, प्लीज बता दीजिए, कंफ्यूजन है। 100% कंपलसरी है भाई, क्योंकि सा है, बेस है। अब आपको बता दूं कि सरगम कैसे बनाया जाता है खुद से, ये वाले वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियर किया है कि जब सरगम शुरू होता है सा से ही शुरू होगा, बिकॉज ऑफ कि अगर सा ही नहीं है आपका स्केल ही नहीं मिलेगा आपको, फिर वो कैसे कैसे आपका पूरा का पूरा जो भी क्रम होगा डिपेंडेंट किस पे होगा, किस पे डिपेंडेंट होगा,
आपको सांप पकड़ना पड़ेगा, कंपलसरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। जब आपका आरोह सारे गामा पाधा नी सा तार सप्तक के साथ पे जाए तब जाके कंप्लीट होगा, चाहे जो भी क्रम बने। फिर वापस जब अवरोह आए, फिर से जब सा पे आएगा तब जाके आरोह आपका कंप्लीट होगा। इसका अपना एक रूल है, शास्त्रीय शास्त्रीय नियम है ये। बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, हर अलंकार सा से ही स्टार्ट होता है। ठीक है सविता देवी जी दे, ठीक है गुरु जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। एक मिनट, थोड़ा सा एक्चुअली मैंने कुछ रखा हुआ है चूल्हे पे तो वो बार बार सीटी मार रहा है कुकर, तो उसको बंद करके आती हूँ। आप क्वेश्चन पूछते रहो। जी वापस हम आ गए। बहुत सारा काम कर लिया ना, थोड़ा थकान सी लग गई है। सुमन जी लिखते हैं कि थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। दिनेश जी लिखते हैं राधे राधे मैम, संगीत में आपका मार्गदर्शन राह सुगम करता है। थैंक यू सो मच दिनेश जी, और हमें भी आप लोगों को सिखाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है हम संडे हमेशा प्रॉमिस करते हैं ना कि संडे लाइव आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि संडे लाइव नहीं आ पाते, या आते भी हैं तो प्रॉपर ढंग से बैठ के इत्मीनान से आपसे बात नहीं कर पाते, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो जैसे ही मुझे वीकडेज में टाइम मिलता है मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा लगता है ना आप लोगों से बात करने, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो फिर मेरा तो हॉबी है। और आप लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये जान के हमें बहुत खुशी होती है, और मेरा भी हौसला बढ़ता है जब आप इस तरह से कमेंट करके बताते हैं कि आप सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि यार हाँ वीडियो अपलोड करना सफल हुआ, आप लोगों को सिखाना सफल हो रहा। तो बस सीखते रहिए आप लोग, आगे बढ़ते रहिए। हम तो यही माता रानी से, सरस्वती महारानी से यही दुआ करेंगे कि सभी लोगों को अच्छी बुद्धि दें और ज्ञान इनका बढ़े, आगे बढ़ते रहे संगीत में। जो भी माँ सरस्वती ने थोड़ा बहुत आशीर्वाद दिया है वो आपको मार्गदर्शन में काम आ रहा है, उसमें तो उन्हीं की कृपा है, हम अपने क्या है, हम तो निमित्त मात हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो उन्होंने सिखाया बताया ज्ञान दिया वो आप तक पहुँचाएं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो मेरा तो एक तरह से काम ही है ये करना। तो और भी जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार लाइक भी कर लो आप लोग, और शेयर भी कर दो अपने अपने फेसबुक स्टोरी या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम स्टोरी पे, फिर वो कर दो शेयर। आप लोग देखते हो, क्वेश्चन का आंसर पाते हो, लेकिन मेरी मदद नहीं करते हो आप लोग। शेयर कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, ताकि हमें भी पता चलता रहे ना कि हाँ भाई अच्छा है, आप लोगों के लिए ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बता रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछिए, कोई और अगर क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फिर लाइव खत्म करने पे आ जाएंगे, है ना, इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछिए अगर है तो। मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? एक मिनट, आप लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? ठीक है, हेलो, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, हमारी आवाज आप लोगों को आ रही है प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है।
अब आने लगा, इसके पहले तो बाप रे बाप आ ही नहीं रहा था। ठीक है, ओके, आप बहुत अच्छे से समझाते हो सुर सरगम, थैंक यू। राकेश जी लिखते हैं, नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? आप लोगों के हमें यहाँ पे मैसेज नहीं दिख रहे थे, तो आई एम सो सॉरी, आप लोगों का मैसेज मुझे नहीं दिख रहा था, अब आ गया। संजय सिंह जी लिखते हैं कि मैम आपके हिसाब से हारमोनियम इन तीनों से किस जगह से निकल जाए, कोलकाता लिया जाए? अच्छा, कोलकाता, दिल्ली या पंजाब? कोलकाता, मार्गदर्शन करें। कोलकाता से आप लीजिए, कोलकाता का बहुत ही मशहूर हारमोनियम रहता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो मेरा सलाह यही होगा कि आप कलकत्ता से ही लीजिए, कोलकाता से ही लीजिए। सपल सापल जी लिखते कि मैम मेरा रियाज छूट गया, मैं कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सरला जी लिखते हैं कि मैडम जी श्राप से वो गाना बना है, वही वर्चस्व है, वो नाले गाने का सरगम में क्या अंतर है? वो ही स्वर, वो ही स्वर, ये क्या है भैया श्राप? ये सरला जी, हम तो ये नया चीज सुन रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हो हमसे? हम इसके बाद बात करेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे कि आपने जो पूछा है वो क्या है, हमें नहीं पता है ये जो आपने पूछा है। वो भी स्वर क्या होता है, नहीं पता। सविता जी लिखती है कि लय और ताल को कितने टाइम तक करें, प्लीज गुरुदी बता दीजिए। सविता, आपको डेली 1 घंटे लय पे काम करना होगा, और क्या काम करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, वो तो हमने बता रखा है, वैसे आपको पता है। नहीं भी पता होगा तो व्हाट्सएप पे मुझसे लिंक मांग लेना, हम दे देंगे, तो आप वहां जाके क्लियर कर लेना। कम से कम डेली 1 घंटे करो, तब जाके क्लियर होगा। 3-4 महीने करते रहो, अपने आप चीजें आने लगेंगी, ध्यान आने लगेगा। ठीक है, सनम पाटिल जी लिखते हैं कि यस मैम वॉइस इज क्लियर फ्रॉम योर साइड। हाँ, अभी क्लियर हो गया था, बाद में तो नहीं हो रहा था। पुष्पा जी लिखते हैं कि हाँ। सुर जी लिखते हैं कि मैम थोड़ा थोड़ा खुद से गाना निकाल लेता हूँ, और कोशिश करते रहिए, एक टाइम के बाद पूरा पूरा निकलने लगेगा। आद्या जी लिखते हैं हाय हेलो। पुष्पा जी लिखते हैं वॉइस है। संजय लिखते हैं कि धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। सरला जी लिखते हैं मैडम जी हमें गाने को सरगम लगाने हैं, जिस राग में वो गाना तैयार होता है वो वर्ची शोर चलते हैं या ना चलते हैं, हमें प्लीज बताइए सरगम में। सरला जी, शायद हम आपके क्वेश्चन सही से नहीं समझ पा रहे हैं, बट हमें जहां तक समझ में आया कि आप कोई भी गाना जब गाना चाह रहे हो तो जिस राग में वो गाना है उस राग को बजाते हुए, उसके सरगम को बजाते हुए आप गाना गाना चाहते हो, शायद यही है ना? मैडम जी श्राप के बारे में, सी टाइप हो गया, सी टाइप हो गया। चलिए, आपने जो पूछा है उसका हम आंसर दे दें। सपा जी लिखते कि मैम नजल साउंड को कैसे अवॉइड करके करें, मुंह ओपन करके बेटा, ओपन, जैसे कि आपका ये 2 फिंगर है ना, ऐसे करके मुंह पे रखो, ये आ, इस तरीके से जब आप ऐसे करते हो आ, तो ये क्या होता है, दबा हुआ। जब आ पूरा खोलते हो तो आ नहीं, आप ऐसे मुंह खोल के आ, ऐसा नहीं गा सकते, आ आ इस तरीके से। और रियाज करो, रियाज में 12 खड़ी है, 12 खड़ी को जब आ ऊ ओ ओम करोगे तो ये नजल पार्ट वाला टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सरला जी आपने क्या पूछा है कि किसी भी गाने, कोई भी गाना किसी राग पे है तो उसके सरगम आपको बजाना है। तो जैसे मान लीजिए यमन कर रहे हैं ना, तो नी रे सा पा म ग रे नी रे
सरगम, ये भजन है। ठीक, अब क्या है, ये राग यमन पर आधारित है। अब राग यमन का जो स्वरूप है ना, आप उसको गाइए, उसके सरगम को बजाइए, आकार में करिए, स्वर में करिए, फिर गाने को गाइए, तो अपने आप वो चीजें समझ आने लगेंगी। और ये इसी प्रकार से गाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी गाने को अगर राग बेस्ड उठा रहे हैं आप, तो उस राग के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके चलन क्या है, उसका वादी संवादी क्या है, वो कैसे चल रहा है। ये सारी बातें जब आपको क्लियर समझ आ जाएंगी तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, चंदन जी लिखते कि राधे राधे, राधे राधे, विया की लिखते हारमोनियम, थैंक यू सो मच राधे राधे आपको। राधे राधे पे, राधे मेरा इतनी देर तक राधे राधे हुआ आप लोगों से। विया के जी लिखते कि अच्छा बजा लेते हैं पर कॉर्ड बिल्कुल नहीं सीखे, कॉर्ड में रवांगी कैसे लाएं। तो कॉर्ड हमने सिखा रखा है, कॉर्ड 24 होते हैं, कैसे बनते हैं आपको मैं बता दूं, बहुत सिंपल है। कॉर्ड किसी भी स्वर से सा शुद्ध गा और पा जब आप पकड़ोगे, ठीक है, जैसे सा गा पा, ये आपका सी, सी से पकड़ोगे ना सारे गा मा पा। अब हर एक जगह से अगर आपको स्केल बजाना आता है, यानी कि सारे गा मा पा नहीं सब बजाना आता है, हर एक बटन से, तब आप कॉर्ड तुरंत बना लेंगे। जैसे कि सा गा पा जब आप पकड़ते हो सी से, तो ये क्या हो गया, सी मेजर। सा कोमल गा जब आप पकड़ते हो तो सी से सी माइनर कॉर्ड बन गया। अगर पहले काले से, यानी पहला काला मतलब समझ रहे हो, जो जहां से आप लोग आते हो सी शार्प, तो सी शार्प से सा गा पा जब पकड़ते हो तो सी शार्प का मेजर कॉर्ड बनता है। जब सा कोमल गा पकड़ते हो तो सी शार्प का माइनर कॉर्ड बनता है। तो किसी भी बटन से सा गा पा अगर आप पकड़ते हो मेजर होता है, सा कोमल गा पकड़ते हो तो माइनर होता है। हो गया, ठीक है, समझ आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। काम करो, अगर नहीं और क्लियर करना है तो मेरे चैनल पर है वीडियो पड़ा हुआ है, आधे घंटे का लेक्चर है कि कैसे बनाते हैं, पूरा फॉर्मूला बता रखा है, एक कॉपी बना करके नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा वीआई के। ठीक, राजेंद्र जी लिख देते हैं मैम जब मैं हारमोनियम बजाता हूँ और गाना गाता हूँ तो बेताल हो जाता हूँ, इसका कोई तरीका बता दीजिए। ताल की प्रैक्टिस करो राजेंद्र जी। राजेंद्र जी देखिए, सिंपल से सिंपल ताल हमने बता रखा है अपने चैनल पर, टफ से टफेस्ट ताल भी बता रखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताल बताया है, प्रैक्टिस करके दिखाया है, आप लोगों से करवाने के लिए एक्सरसाइज दिया है, होमवर्क भी दिया है। तो आप लोग क्या करो राजेंद्र जी, आप एक काम कर लो, ताल कमजोर है जिनकी भी ताल कमजोर है, जो भी मुझे देख रहे हो, प्लीज आप एक काम कर लो, मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, लय को पक्का करने वाले वीडियोस, ये हमने वो बना रखा है प्लेलिस्ट में, नाम दिया है ताल के लिए, उसमें शुरू से वीडियो देखना शुरू करो। जब शुरू से देखना शुरू करोगे आप ना, कॉपी बना लेना, एक ताल की कॉपी बना लेना, तो जो जो मैंने बताया है, जितनी प्रैक्टिस बताया है उतना प्रैक्टिस करो। हफ्ते भर का है तो हफ्ते भर एक ही एक्सरसाइज को लेके बैठो, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरा एक्सरसाइज लेके बैठो। बता रहे हैं कि 3 महीने के अंदर आपका लय मजबूत हो जाएगा, टाइम टेकिंग है, रोज प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा 100%। सुर सरगम जी लिखते हैं कि आपके यूट्यूब की पहली पेमेंट आ गई क्या? मेरी पेमेंट आ गई, हाँ अभी बन रही है, अभी आई नहीं है, जल्द ही आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो भी आ जाएगा। अभी तो मोनेटाइजेशन में गया है, सारा वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, बस अब ये है ना कि थोड़ा सा ग्रो हो जाए चैनल, अभी ग्रो तो हो नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा तो ग्रो नहीं है। अब आप लोगों से इसीलिए मदद चाहते हैं ना कि शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और सुपर थैंक्स कर लिया करो, ये सारी चीजें। जब आप लोग ही मदद करेंगे तो जल्दी आएगी, मदद नहीं करोगे भाई तो हम अकेले ही मदद कर रहे हैं अपनी,
तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर कर लिया करो, लाइक शेयर कमेंट से ही यूट्यूब आपको जज करता है कि आप अच्छा कर रहे हो। आप कमेंट में तो बता रहे हो कि बहुत अच्छा मैम सिखा रहे हो, बहुत अच्छा सिखा रहे हो, लेकिन जब लाइक कमेंट नहीं आता है, शेयर नहीं होता है, तो यूट्यूब को पता नहीं चलता है ना कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हो तो हमारी भी पेमेंट जल्दी ही आ जाएगी। किरण जी लिखते हैं कि नमस्ते जी, नमस्कार, 50 की उम्र में गाना सीख सकते हैं क्या? अगर हाँ तो कैसे शुरुआत करें? मुश्किल है मैम या सर, जो भी आपका नाम है, किरण जी, हाँ मैम है आप, मुश्किल है क्योंकि 50 साल के अंदर, 50 साल की एज में जो कैपेसिटी होती है प्रैक्टिस की और ब्रीथिंग पावर की और वॉइस कंट्रोलिंग की, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, मुश्किल है। अगर आपको सीखना है तो भाई आप यूट्यूब से जैसे गा रहे हो वैसे गाइए, यूट्यूब से सीखिए। और मुश्किल है, मैं बोल रही हूँ जैसे कि मुश्किल है, तो मतलब आपको समझ आ गया होगा। माँ बेटी संगीत लिखते हैं, सुर सीख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रियाज से आप सुर सीख सकते हैं। VIK लिखते हैं कि जी बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। नीतू जी लिखते हैं कि मैम आज पहली बार देख रही हूँ जी। नीतू जी मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप पहली बार अगर देख रही हैं तो ये तो लाइव क्वेश्चन है और लाइव सेशन कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन पर आधारित ये लाइव है। और आप प्लीज़ वीडियोस मेरे देखें, अगर म्यूज़िक में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आई एम श्योर आपको आंसर मिलेगा। नीतू जी जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं आप तो, और आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चंदन जी लिखते हैं कि मैडम जी आप एक सुर प्लीज़ छौड़ी, क्या लिखा है आपने, पकड़ी मेरे गुला, आपने जो भी लिखा है चंदन जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा सा हिंदी में लिख के भेज देंगे, क्योंकि जो आपने इंग्लिश में लिखा है ना उसका सेंटेंस या वर्ड्स जो क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। अभिषेक जी लिखते हैं कि पियानो सीखने में बेसिक तो एक्सपर्ट कितने टाइम लगेगा? बेसिक, अच्छा पियानो मैं कम से कम जो टाइम बताती हूँ वो होता है 2 साल, और ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिक टू एडवांस सीखने में क्या है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी भाई, वैसे तो लोग को 6 से 7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल लगा देते हैं बेसिक टू एडवांस करने के लिए, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने 2 साल के अंदर कवर किया, तो मैं 2 साल का ही मान के चलती हूँ। लेकिन हाँ 6 घंटे फिर प्रॉपर डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा 6 घंटे, तब जाके 2 साल में आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक टू एडवांस इसी तरीके से होता है, और ये बहुत टफ है और बहुत मेहनत चाहिए होता है इसके लिए। नीतू जी लिखते हैं थैंक्स जी, मोस्ट वेलकम। बी ग्लैम जी लिखते हैं नमस्कार, नमस्कार सर, बड़े दिनों बाद आप दिखे, कैसे हैं आप? थोड़ा सा गर्मी आ गई है ना आजकल, ठंडी जल्दी से चली गई, गर्मी जल्दी आ गई, और मच्छर भी यहाँ लग रहे हैं आप लोग बताएं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से हमें देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलो आप हमेशा हमारे बारे में पूछते हैं, हम आज आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि आप लोग कहाँ से हमको देख रहे हैं। और प्लीज़ जितने भी लोग जुड़े हो प्लीज़ लाइक करते चलो, शेयर भी कर लो, और क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछो मुझसे, ठीक है। तो हम अपनी ही रियाज करना शुरू कर दिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप हिंदी में लिखनी है, लिखे चंद जी,
दो अभिषेक लिखते हैं, 2 साल में मतलब एवरी सॉन्ग कवर करना आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, सही डायरेक्शन में करोगे तो 2 साल के अंदर ये सारी चीजें आने लगेंगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी आपके कवर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रेन पे डिपेंडेंट करता है ना कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितना अच्छा कैच कर रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मेरे कैपेसिटी के हिसाब से बताया, बिल्कुल कोई भी गाना वगैरह करना, सुर लय ताल अच्छे से कीबोर्ड बजाना, 2 साल के अंदर तो आ ही जाता है। आकाश शर्मा, राधे राधे जी मैम जी, राधे राधे सॉन्ग रियाज। ये मच्छर हमें इतना परेशान कर रहा है, यहाँ तो मच्छर भी लगने लगे हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा नेटवर्क भी इश्यू होता जा रहा है यार, क्या किया जाए। तो जब तक आप लोग क्वेश्चन करो तब तक हम आप लोगों को राधे राधे सिखा सुनाते हैं। लगाना कंपलसरी है क्या, या देख देख कर भी सीख सकते हैं? देखिए भैया अभिषेक, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक गुरु के सानिध्य में बिल्कुल आप रह के सीखिए, क्योंकि अपने से अभी आपको पता नहीं ना कि कौन सी टाइम पे कौन किसके बाद क्या सीखना है, किसके बाद क्या सीखना है। बेसिक सिखा दे तो एडवांस पे आ जाएंगे, तो एडवांस बताने वाला कोई, जब मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई उसका आंसर 2 हफ्ते बाद दे रहा है, या 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद दे रहा है, तो आपका जो टाइम जाएगा वो तो जाएगा ना, इसके लिए टीचर लगाना जरूरी है। लोधी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं कि प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम भैया, सभी लोग प्लीज लाइक करते जाए, थोड़ा सा मेरा भजन बिगा लो। राधे 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 राधे। तो मैं इसको अब रिदम पे, आज मुझे अपनी राधा रानी को बड़ा याद करने का मन कर रहा है, तो आप लोग भी मेरे साथ राधा रानी को 5 मिनट याद कर लीजिए और रिदम पे अच्छा लगेगा। दीपक जी लिखते हैं कि मैम प्लीज यमन राग का आरोह अवरोह बता दो प्लीज। राग यमन का बड़ा सिंपल तो है भैया, देखो है क्या, सॉरी गा को मन लगा दिया ना इसलिए, सारे नी रे गा।
खराब करा गया मन। ठीक है, अभिषेक लिखते कि फीस क्या रहता है स्टार्टिंग का, आप जिन टीचर से सीखना चाहते हो उन्हीं से पूछ सकते हो, अगर जो भी प्राइस बताएंगे वो उनके हिसाब से होगा, अब हमारे हिसाब से तो होगा नहीं, है ना। तो जिनसे सीखना है उनसे पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉन्ग लिखते हैं कि संगीत सीखने की उम्र क्या है मैम जी। संगीत सीखने की उम्र तो भाई आप स्कूलिंग टाइम से सीखना शुरू कर दो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते आप पूरा संगीत सीख लो, यही उम्र होती है। उसके बाद तो परफॉर्मेंस की उम्र होती है, सीखने की उम्र नहीं होती है। लोग कहते हैं कि संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी शुरू कर दो, लेकिन जो शुरू करता है ना उसको पता चलता है कि कितना दिक्कत होती है। तो मेरा कहना है कि स्कूलिंग टाइम से लेकर के ग्रेजुएशन पीजी तक आप कंप्लीट कर लो, यही उम्र होती है सही से सीखने की, जल्दी आ जाता है संगीत। अर्जुन लिखते हैं जय श्री राधे, जय श्री राधे। चंदन जी लिखते कि मैडम जी मैंने बोला कि एक सुर दीजिए गाने का बोल है, एक सुर दीजिए गाने का बोल है। अच्छा, छेड़ी पलकी री मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। अच्छा, इसी गाने में एक नाम बजा दीजिए, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, सुनने का बड़ा मन कर रहा है। ओहो, अच्छा आप ये बोल रहे हैं, मैं आपका लाइव में नया हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं इस गाने को सुना ही नहीं है, तो अगले लाइव में मैं इसको देख करके आऊँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, अभी तो मेरे को ये आता ही नहीं है। ओ ए बॉय लिखते हैं कि हेलो मैम, उत्तराखंड से हूँ, मोस्ट वेलकम जी। मैम कीबोर्ड पर सॉन्ग का नोट्स कैसे पहचाने प्लीज़ आंसर। देखिए, कीबोर्ड पे अगर नोट्स पहचानना है तो सबसे पहले पूरी बेसिक की थ्योरी आनी चाहिए भैया, नहीं तो कोई भी गाना आप बजाइए, और बजाना भी आना चाहिए, मेन तो ये है ना कि आपको बजाना ही आना चाहिए, बजाना नहीं आएगा तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना। तो किसी भी कीबोर्ड पर किसी भी सॉन्ग के नोट्स पहचानने के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, सुन सुन के निकालना पड़ेगा। तो ये तो आपके जो क्वेश्चन है वो ये बन गया कि खुद से गाना कैसे निकालें, है ना। तो इस पे वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ देख लीजिए कीबोर्ड पर कैसे गाना निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब ए टू जेड हमने बता रखा है, तो उस पर आप देखेंगे तो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे हमको एक गाना गाने का मन क्या है, भजन अपनी राधा रानी को याद करना है। तो जय जय श्री राधे आप सभी लोगों को। चलिए अब फिर से आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मुझे राधा जी को याद करना था, उनके लिए थोड़ा सा गुनगुनाना था तो कर लिया हमने। जी लोधी जी, दीदी दीदी ही गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में ये सॉन्ग सुना दीजिए।
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ठीक है, अगली बार सुनाएंगे आपको, ठीक है, अच्छे से तैयार करके पूरा प्रॉपर ढंग से। ठीक, जैविन जी लिखते कि मैम बागेश्री राग की अवरोह अवरोह बता दीजिए। बागेश्री की राग बागेश्री मुझे देखना पड़ेगा, अभी ऐसे मुझे याद नहीं है, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, तो हम देख करके भी बता देते हैं आपको। सरला जी लिखते हैं कि हम सभा जी नगर से बोल रहे हैं और हम 3 साल से संगीत सीख रहे हैं। जी सरला जी, मोस्ट वेलकम, जय हिंद जय हिंद। चंदे जी, हाँ आपने पूछा बागेश्री, तो भाई बागेश्री एक बार मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं बागेश्री थोड़ा देख के आपको बताती हूँ। मुझे याद तो ऐसा सारी चीजें याद नहीं रहती है ना, लोगों को भी देखना पड़ता है, तो हम भी थोड़ा देख करके आपको बताते हैं बागेश्री क्या है आपका अरोह अवरोह पकड़। मेरे पास नोट्स हैं, देखे क्या है आपका बागेश्री मिलता है। बागेश्री, बागेश्री तो नहीं है यार, मेरे नोट्स में बागेश्री नहीं है, तो आप इंतज़ार करें, बागेश्री के लिए भाई हमको बाद में बताना पड़ेगा। ठीक है, बागेश्री पूरा राग ही सिखा देंगे, अभी इस नोट्स में नहीं है, जिस नोट्स में हम देख रहे थे। ठीक है, अच्छा लोधी जी लिखते हैं ओके दीदी, हाँ बिल्कुल अगली लाइन में सिखा देंगे। और वो ये लिखते हैं कि मैम सॉन्ग प्ले करना आता है, कॉर्ड नहीं पहचान पाते मेजर है या माइनर। बहुत सरल टेक्निक है मेजर या माइनर का पकड़ने का। क्या होता है कि जैसे आप कोई गाना गा रहे हो, तो पहले तो बजाओगे और आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गाना कौन से स्केल से होके जा रहा है, मेजर स्केल से होके जा रहा है या माइनर स्केल से होके जा रहा है। ठीक है, ये अगर आप कंफर्म कर लेते हो तो जिस स्केल का गाना होगा वही कॉर्ड लग जाएगा। मेजर स्केल का गाना होगा तो मेजर कॉर्ड लग जाएगा, माइनर स्केल का गाना होगा तो माइनर कॉर्ड लग जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि किसी भी गाने का सागा पा लगाओगे, शुद्ध गा लगाते हुए सागा पा लगाओगे, उसको देखोगे तो लगेगा कि यार ये गाना मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो वो मेजर का गाना होगा। जैसे अभी हमने गाया नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है राधा, माइनर लगाओ, ये मिल रहा है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो अपने आप वो चीजें समझ आने लगती है, मेजर लगा के देखो फिर माइनर लगा के देखो, वो अपना सेंस होता है जो डेवलप होता है धीरे धीरे। सुवेंदु जी लिखते हैं कि हाय हेलो। अभिषेक जी लिखते हैं कि आपका ये एकेडमी कहाँ पर है, प्रयागराज में है। चंदन जी लिखते हैं कि गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देवो महेश्वरा गुरु र साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, ये आपने गुरु का बहुत अच्छा एक मंत्र बताया। माधवी जी लिखते हैं कि टॉको कैसे दिमख, ये क्या भैया पता नहीं क्या आप लिखे हो, आप खुद ही पढ़ो क्या लिखे हो। आप हिंदी लिखोगे तो मेरे को समझ आएगा, इंग्लिश भी लिखोगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन दूसरी लैंग्वेज यूज करोगे तो मेरे को नहीं समझ आएगा, क्योंकि हमें बस हिंदी इंग्लिश आती है बस भैया। ठीक है, और ये मच्छर जो हैं परेशान कर रहे हैं। संतोष कुमार जी कहते हैं कि मैडम जी आप कहाँ से हो, आप ऑफलाइन प्रोग्राम करते हो क्या। हम हैं यूपी प्रयागराज से, हाँ बिल्कुल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं करते, जो बहुत खास और अच्छा प्रोग्राम होता है वही करते हैं, लेकिन मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, म्यूजिक टीचर, एज अ म्यूजिक टीचर। परफॉर्मिंग तभी करते हैं जब वो मेरे मुताबिक
अच्छी ऑडियंस और अच्छी जगह होती है तो, नहीं तो ऐसे हर जगह परफॉर्म नहीं करते। सुमेंदु जी लिखते हैं, कुछ गाना सुना दो। हाँ, मैं गाना नहीं मैं राग सुनाऊंगी, क्योंकि गाना सुनाऊंगी तो भाई कॉपीराइट आ जाएगा, राग सुनाऊंगी तो कॉपीराइट नहीं आएगा, और राग जो होगा एक तरह का गाना ही है। तो चलिए आप लोगों को मैं सुना देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, नहीं, एक प्यार का नगमा गाएंगे ना भैया तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। आप लोगों ने कहा है तो हम सुनाएंगे जरूर। और क्या सुनाएंगे पता है? आप लोग खुद बताओ हम क्या करने जा रहे हैं। जब हम राग छेड़ेंगे ना, राग में ही भजन सुना देंगे आप लोगों को, परेशानी नहीं है। तो आप लोगों को लगेगा कि वाह। ठीक है अब जी, क्योंकि देखिए अगर कोई गाना हम सुना देंगे ना तो वो तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा, तो राग सुनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है चलिए। बताइएगा हम जो गाने जा रहे हैं वो कौन सा राग है, अगर आप पहचान लेते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो हम बता ही देंगे लास्ट में। सा रे सा रे सा नि सा रे सा ध बताइए कौन सा राग हमने शुरू किया, अगर आप लोग पहचान सको तो। जाओ जी तुम खाओगे गारियां, मोहन से
जी राग शिव रंजनी, संजय जी लिखते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? संजय जी लिखते राग शिव रंजनी, नहीं राग शिव रंजनी नहीं है। माधव जी लिखते कि मैडम ताल के बोल कैसे याद करें, बताते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, रानी वर्मा जी लिखते राग दरबारी, बहुत अच्छे, आपका आंसर सही है। राजेंद्र लिखते ओके, हाँ राग दरबारी गा रहे थे हम, राग दरबारी का था। देखिए ये होता है ना, जो अगर आप राग दरबारी कभी गाए होंगे या सुने होंगे तब जा करके अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, आ जाएगा। इन्होंने लिखा संजय जी ने राग शिवरंजनी सुनने के लिए आग्रह कर रहा था। अच्छा राग शिवरंजनी करने के लिए, हाँ तो राग शिवरंजनी पे ठीक है, अगली बार सुना देंगे। हर एक राग राग आप लोगों को ऐसे ना लाइव आकर के सुनाते भी रहेंगे उसका। अच्छा एक काम करते हैं, जितनी भी रागे हैं ठीक है, राग को हम लाइव आके सिखाया करेंगे आप लोगों को, चलेगा? जैसे कि हर एक संडे पे एक राग पकड़ ले, जैसे आपने राग शिवरंजनी कहा तो अगली बार हम राग शिवरंजनी पे ही पूरा काम करेंगे कि राग शिवरंजनी क्या है, राग शिवरंजनी पे बेस्ड गाने क्या कौन कौन से हैं, राग शिवरंजनी का चलन क्या है और राग शिवरंजनी का वादी संवादी गाने का समय सब कुछ A to Z हम बताया करेंगे। तो ऐसा क्या होगा ना कि हर एक राग पे कवर भी होता जाएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा और कॉपीराइट भी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम गा के सुनाइए, बता के ये सुनाइए, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए, तो अच्छा रहेगा ना, इसी बहाने तो राग भी आप गा लोगे और सुन लोगे और आप लोग ये भी सुन लोगे कि कैसे गा रहे हैं क्या गा रहे हैं, है ना? तो ठीक है अगली बार शिवरंजनी गा देंगे, ये तो हमने ऐसे ही गा दिया दरबारी, आप लोगों ने आग्रह किया तो, और अच्छा हो गया, एक आइडिया निकल के आ गया कि हर एक लाइव में एक राग अगर कवर करने लगो तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है चलिए अच्छी बात है, अब हम ये किया करेंगे। तो शिवरंजनी अगली लाइव में, मान के चलिए संडे को जब लाइव आएंगे तो शिवरंजनी राग पे मतलब हाफ एन आवर तो कम से कम उस पे लेक्चर ले लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। और एक बहुत अच्छी बहुत खास बात ये हो जाती है कि कौन से राग पे कौन सा गाना बज रहा है, ये अगर पता चल जाए चलन के हिसाब से तो बात बन जाती है ना। तो चलिए अब आप लोगों के लिए ये मेहनत करेंगे हम और बताएंगे कि कौन से राग पे कौन सा गाना बज रहा है। तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर करते चलो। और छोटू पाठक जी लिखते हैं नमस्ते मैम, नमस्कार, बहुत देर में आ भैया, कहाँ गायब हो गए थे? तो चलिए सभी लोगों से अब नमस्कार करते हैं हम, अब हम डिनर करेंगे क्योंकि हर लाइव में हमारा लाइव इतना लेट हो जाता है कि हम डिनर करना ही भूल जाते हैं, फिर बाद में मेरे को बड़ा जोर से भूख आती है, फिर टाइम ओवर हो जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि चलें कुछ पहले बना लें फिर खाना खाएं, ठीक है? चलिए आप सभी लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में, कल अपलोड होने वाला है, जल्दी से जल्दी आप लोग देखिएगा। हाकार आकार दोनों में अंतर क्या है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से नोट करके सीखिएगा। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हो, संगीत में कुछ भी सीखना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज शेयर तो कर ही दिया करिए मेरे लिए। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोटू पाठक जी, सर्दी में रियाज उचित नहीं है और गला खराब ही हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग रेस्ट दे दिया करें, अगर सर्दी हो जाए तो रियाज ना करें, 2-3 दिन में सर्दी ठीक हो जाती है, दो 3 दिन थोड़ा सा अवॉइड करके तब करें। चलिए अब मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, कल जो वीडियो अपलोड होगा प्लीज आप लोग देखिएगा, उसको नोट करके प्रैक्टिस करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल इंतजार करिएगा 11 से 12 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा प्लीज आप लोग देखिएगा और शेयर करते जाइएगा, और इतनी मेरी मदद हो जाएगी आप सभी लोगों की तरफ से।
चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।